45 पुलिसकर्मियों को हुई है सजा, जेल में चलाएंगे चक्की। फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था, कहा ये आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं या गुंडे हैं, मवाली हैं, अराजक तत्व हैं साहब, इनको हमने गलत नहीं मारा है, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, मुठभेड़ में हमने मारा है, ऐसा कहना था पीलीभीत में 31 साल पहले 1991 में घटना हुई थी। 12 जुलाई को सिख लोग एक बस से जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर, उसी बीच पुलिसकर्मियों ने बस को रोका, कुछ झड़प हुई और फिर कहा अच्छा अच्छा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या तुम्हारे ही समाज के लोगों ने किया था, बेअंत सिंह और सतवंत ने, तुम लोग सब आतंकवादी हो, उतारा 10 लोगों को भेज दिया ऊपर फर्जी मुठभेड़ दिखा करके। और एक व्यक्ति का आज तक पता नहीं लगा, तलविंदर का आज तक गायब है, वो अभी उसी घाट गया होगा लेकिन पता नहीं लग पाया। 10 लोगों को मारा था, 10 के पोस्टमार्टम कराए गए और मामला शुरू हुआ। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराई जाती है, सीबीआई ने इस मामले को सत्य पाया और चार्जशीट दाखिल किया, आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला चलते चलते नौमन चले अढ़ाई कोस, यह कच्छप गति से हमारी न्याय व्यवस्था एक का दोष नहीं देता, इसमें गवाह पेश नहीं होंगे, जो आईओ है वो अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, फिर कई बार वारंट जारी होगा, बुलाया जाएगा, बुलावा आएगा, नहीं हाजिर होंगे, उसके बाद एनबीडब्ल्यू बीडब्ल्यू यह सब जारी होता रहता है कोर्ट का, तब तक वकील साहब लोग हड़ताल कर देंगे। अब हड़ताल में मामला लटका रहा, ऐसे करते करते यह 2016 में इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। किनको दी जाती है? उनकी संख्या 57 की होती है, 57 पुलिसकर्मियों को, उसमें दरोगा, सिपाही, प्रधान आरक्षी, इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। यह जाते हैं हाई कोर्ट में और कहते हैं साहब हम निर्दोष हैं और हमें हमने इन लोगों पर कुछ आरोप थे, अच्छे लोग नहीं थे, हमने मारा है, गलत नहीं किया है साहब, हम नहीं मारते तो हम हमारे ऊपर हमला कर देते, कट्टाकुटी दिखा देते हैं, जैसा कि अधिकांश थानों में बिहार से और कहां कहां से ले आकर के रखे रहते हैं। गांजा पहले हाफ ब्लेड चलता था, अब पता नहीं हाफ ब्लेड वाले कहां से आते थे और वह जेब कतरे थे, उनको ऊपर से दिया जाता है केस, ऐसे दो तो केस दिया जाता है। दोस्तों चलिए, सभी ऐसे नहीं है लेकिन जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस पर फर्जी मुठभेड़ के मामले में तमाम लोगों को ऊपर भेज दिया गया। मामला चलता रहेगा, चलते चलते परिवार वाले थक जाएंगे और एक आध दो पीढ़ियां चली जाएंगी, केस चलता रहेगा। यह अभी तो 31 साल का मामला है, 31 साल में आप महसूस करिए, 31 साल में बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके नाती पोते हो जाएंगे, मतलब दादा के नाती पोते हो जाएंगे। ऐसे में 1992 में सीबीआई जांच होती है और सीबीआई जांच ने आरोप पत्र दाखिल किया, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सजा होती है 2016 में, इतने लंबे समय बाद 92 में दाखिल किया, केस चलता रहा और 16 में सजा होती है। फिर ये लोग जाते हैं, 57 को उम्र कैद की सजा होती है, फिर ये लोग जाते हैं उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय में जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ, लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। लेकिन अब किनको किनको सजा होगी? अब यह 57 से संख्या आ जाती है 43 पर। शेष क्या हुए? शेष ऊपर चले गए, उन परिवारों को न्याय की प्रत्याशा में 31 साल गुजारना पड़ा और उसमें 14 आरोपी ऊपर चले गए। स्वाभाविक मौत मरे, कैसे मरे नहीं पता, लेकिन शेष को अब 7-7 साल की सजा हुई है और जेल में कुछ लोगों का अंतिम समय बीतेगा, जेल में ही उनका कफन दफन होगा। शेष लोग 7 साल बाद अगर जिंदा रहेंगे तो वापस आएंगे। ये हमारी न्याय प्रणाली है, एक को दोषी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हमारी न्याय देर से मिला हुआ न्याय, न्याय न मिलने के समान है। काश 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में फैसले हो जाते। मैंने देखा है वारंट जारी होगा, नोटिस जारी होगी, नोटिस तामील नहीं होगी, दस्तयाब नहीं हुआ, लिखते हैं लोग दस्तयाब नहीं हुआ,
या उर्दू के शब्द अभी भी हुजूर सरकार या सब चलते रहते हैं। ऐसे चलिए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि न्याय व्यवस्था को और तेज करें, या अगर अन्वेषण करता है उनको भी हम लोग ठीक करें, जो हमारे सरकारी अधिवक्ता है वह भी ठीक हो, और जो हमारे अधिवक्ता गण है सम्मानित न्याय सम्मानित अधिवक्ता गण, वह भी हड़ताल और इस तरह की कारगुजारी से बाज आए, इनसे भी लड़ना है, इनको भी ठीक करना है, समझाना बुझाना है, टोका टाकी करना है, हस्तक्षेप करना है। तो 43 पुलिसकर्मी पीलीभीत जो नेपाल का बॉर्डर है वहां इस कांड के आरोपी अब 43 लोग जेल में चक्की पीसेंगे। चक्की पीसने से अभिप्राय सश्रम कारावास है, उसी में कुछ करेंगे तभी खाना दाना मिलेगा, और खाना दाना तो मिलेगा ही, लेकिन जेल तो जेल है। अब उनके पोते हो गए होंगे, अब वह परिवार से दूर होंगे, जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर रह करके उनका दिन बीतेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए।